आप सब जब कोई भी रेस्टोरेंट जाते हैं, जैसे मैकडॉनल्ड्स, पिज्जा हट, डोमिनोज या फाइव स्टार रेस्टोरेंट्स भी, तब कई लोग जैसे वेटर्स, कैशियर्स आपकी मदद करते हैं आपका एक्सपीरियंस बेहतर बनाने के लिए। आज हम डिटेल में बात करेंगे कि ये सब एम्प्लॉयज और वेटर्स जो मैकडॉनल्ड्स, पिज्जा हट, डोमिनोज, KFC या फाइव स्टार होटल्स में जो काम करते हैं वो घंटे का कितना कमाते हैं और महीने का कितना कमाते हैं। मैं ये भी बताऊंगा कि दुनिया भर में मैकडॉनल्ड्स में काम करने के कितने रुपए मिलते हैं, ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए और आप कंपेयर कर पाएं। उसके बाद मैं बताऊंगा कि ऐसे जॉब्स के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू में और आपको क्या क्या पता होना चाहिए। एंड में मैं बताऊंगा कि आप इन सब जॉब से क्या क्या सीख सकते हो और क्या क्या परेशानियाँ आती हैं, क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ता है, तो वीडियो एंड तक देखना। मैं पहले ही आपको बता दूं कि ये जो सैलरी अमाउंट मैं बताऊंगा वो एक अप्रोक्सीमेशन होगा, क्योंकि यार कोई सैलरी कोई फिक्स तो होती नहीं है, लोकेशन और टाइमिंग पे डिपेंड करती है, तो वो बहुत वेरिएबल है। पर मैंने जो ऑनलाइन रिसर्च किया है उसके अनुसार मैं आपको एक अप्रोक्सीमेट अमाउंट बता दूंगा। तो पहले हम क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स जैसे मैकडॉनल्ड्स, पिज्जा हट, डोमिनोज, KFC इनकी बात कर लेते हैं। तो इन सब रेस्टोरेंट में बिल्कुल एक फ्रेशर को स्टार्टिंग में प्रति घंटा 30 से 50 रुपए मिलते हैं और महीने का इनको 7,000 रुपए से 11,000 रुपए मिलते हैं। फिर धीरे धीरे जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है और आप सीनियर पोजीशन में जाते हो या आपका परफॉर्मेंस काफ़ी इम्प्रूव होता है, तो आप 70 रुपये से 100 रुपये तक घंटे का कमा सकते हो, यानी महीने का 14,000 रुपये से 25,000 रुपये तक। कई रेस्टोरेंट्स आपको मील वाउचर्स भी फ्री में देते हैं, मतलब लंच आप इन्हीं रेस्टोरेंट में बिल्कुल फ्री में खा सकते हो। और भी काफ़ी इंसेंटिव्स होते हैं जैसे क्रू ऑफ द मंथ, तो अगर आप अपने टारगेट अचीव करते हो या आपको अप्रिसिएशन मिलता है तो आपको और थोड़े ज़्यादा मील वाउचर्स फ्री में मिलते हैं, जिससे आप अपने फैमिली या फ्रेंड्स को रेस्टोरेंट में लाके खिला सकते हो। पर जितनी भी सैलरी मिले, ये 7,000, 10,000, 12,000, इसमें आपको एक सिटी जैसे हैदराबाद, बेंगलोर, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली में सस्टेन करना बहुत मुश्किल है। तो उनको कुछ टिप्स भी मिलता है, तो इससे उनकी काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो ये टिप्स काफ़ी वेरिएबल रहते हैं। वीकडेज में मतलब मानो 50 से 150 रुपए मिल जाते हैं, वीकेंड में 200 से 400 रुपए मिलते हैं। पर ये इतना ज़्यादा वेरी करता है, ऐसे हो सकता है कि यार एक दो हफ्ते में उनको बिल्कुल टिप ही ना मिले, जीरो टिप मिले, पर अचानक एक दिन पूरे 2-3 हफ्ते का टिप एक ही बार में मिले, अगर आप जैसा कोई अच्छा कस्टमर मिल जाए तो। तो ये टिप से करीब 2,000 से 5,000 रुपए कमा लेते हैं, तो इससे इनका काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है और ये अपने आप को सस्टेन कर पाते हैं ऐसे सिटी में। फिर उनको ओवर टाइम का तो एक्स्ट्रा मिलता ही है। तो बेसिकली जैसे कि मैंने आपको बताया, आप तीन तरीके से कमा सकते हो। पहला तो हुआ सैलरी, जो कि एक फिक्स्ड अमाउंट होता है। दूसरा होता है वाउचर्स, मील वाउचर्स, जो थोड़ा फिक्स्ड होता है और थोड़ा परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। और फिर होता है जो इंसेंटिव, जो आप टारगेट्स अगर अचीव करते हो तो आपको और बेनिफिट्स मिलते हैं। तो यार ये सब तो यार बहुत बड़े मल्टीनेशनल रेस्टोरेंट चेन है, तो यार इनका एक बिल्कुल स्टैंडर्ड सैलरी होता है, तो ये अपने रूल्स फॉलो करते हैं। फिर आपने देखा होगा कि आसपास बहुत छोटे रेस्टोरेंट्स भी होते हैं, तो इसमें यार कोई स्टैंडर्ड रूल्स नहीं होते और कई जगह पे इससे भी कम सैलरी दी होती है। कहीं कहीं इतनी सैलरी देते हैं या ज़्यादा देते हैं, पर मोस्टली इससे कम सैलरी देते हैं। पर उनके थोड़े बहुत कुछ और एडवांटेजेस होते हैं। कुछ रेस्टोरेंट्स पूरा खाना देते हैं, मतलब ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, सारा खाना आप रेस्टोरेंट में खा सकते हो। कुछ कुछ रेस्टोरेंट्स रहने के लिए भी जगह देते हैं, पर यार नॉर्मली ऐसे छोटे रेस्टोरेंट ज़्यादा काम करवाते हैं और कम पैसे देते हैं। कभी कभी तो यार ओवर टाइम के भी पैसे नहीं मिलते, तो ये इसीलिए होता है क्योंकि यार ये स्टैंडर्डाइज्ड नहीं है। पर कुछ कुछ छोटे रेस्टोरेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, वो अपने वेटर्स और अपने एम्प्लॉयज़ का बहुत ख्याल रखते हैं, तो वो बहुत अच्छी बात है। तो यार ऐसे जो ये सारे जो मैंने जॉब्स के बारे में बताया, इन सब जॉब्स के लिए जो मेन रिक्वायरमेंट होती है कि आपको 12th पास होना चाहिए। तो 12th पास हो तो यार आप ये सब जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब आते हैं यार फाइव स्टार होटल्स पे। बहुत कम चांसेस है कि फाइव स्टार होटल आपको एज अ फ्रेशर हायर करेगा, क्योंकि यार फाइव स्टार होटल में एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो चाहते हैं कि यार जिनको थोड़ा बहुत आइडिया हो इन सब चीज़ों के बारे में, वो वैसे लोगों को हायर करें। तो अनलेस आप बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, आपको एज अ फ्रेशर हायर नहीं करेंगे। फिर उनका हायरिंग का भी प्रोसेस काफ़ी लंबा होता है। नॉर्मली वो प्रेफर करते हैं कि यार जिन लोगों ने कोई छोटा मोटा कोर्स किया हो या जिनको ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, वो उन लोगों को हायर करें। पर अगर आप इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो और आपको एक फाइव स्टार होटल ने एज अ फ्रेशर हायर किया, तो ऑफकोर्स आपको ज़्यादा सैलरी मिलती है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपकी स्टार्टिंग सैलरी 12-13 हज़ार से लेके 17-18 हज़ार रुपये महीने की हो सकती है, क्योंकि काफ़ी अच्छी होती है एज अ फ्रेशर। फिर हम एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करते हैं, सर्विस चार्ज। आपने देखा होगा कि यार आजकल मोस्टली हर रेस्टोरेंट आपसे एक सर्विस चार्ज लेता है, वो करीब अराउंड 10% एक्स्ट्रा होता है आपके जो नॉर्मल कॉस्ट से होता है। वो इसलिए लिया जाता है कि वो जो आपको रेस्टोरेंट जो आपको सर्विस प्रोवाइड करता है उसके लिए वो आपसे पैसे लेते हैं।
इसका काफी पोर्शन उनको अपने एम्प्लॉयज या अपने वेटर्स को देना होता है, पर ये सब चीजें बहुत कम रेस्टोरेंट्स करते हैं। मोस्टली रेस्टोरेंट्स ये सर्विस चार्ज अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए अपने पास ही रख लेते हैं। तो ये सब ये नहीं कि यार छोटे रेस्टोरेंट्स में, बड़े रेस्टोरेंट्स भी सर्विस चार्ज का जो बेनिफिट है वेटर्स को नहीं देते, और अगर देते भी हैं तो यार बहुत कम देते हैं, और उसमें भी काफ़ी कंडीशंस लगा देते हैं कि अगर आप ये टारगेट अचीव करोगे, ये गोल अचीव करोगे, तभी आपको बहुत कम पोर्शन मिलेगा सर्विस चार्ज का। तो जो कि यार एक गलत बात है, क्योंकि अगर आप सर्विस चार्ज ले रहे हो तो जो आपको सर्विस प्रोवाइड करें एम्प्लॉयज उनको देना चाहिए, पर ऐसा ही है, आप क्या कर सकते हैं। तो अब आपको तो यार सैलरी का आइडिया आ गया, तो अब आपको मैं बता दूं कि यार उस सैलरी पाने के लिए आपको काम कितना पड़ता है। जो पार्ट टाइम एम्प्लॉयज हैं, ये जो QSR जैसे कि KFC मैकडॉनल्ड्स में, आपको पार्ट टाइम में 4 से 5 घंटे एक दिन का काम करना पड़ता है। जो फुल टाइम काम करते हैं उनको 8 से 10 घंटे काम करना पड़ता है। इन सबको यार डिफरेंट शिफ्ट्स मिलती है, तो हर रेस्टोरेंट की अपनी अलग शिफ्ट्स होती हैं। जैसे आपको शिफ्ट मिल सकती है सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक, या शाम के 5 बजे से सुबह के 2 बजे तक, तो डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट्स के अनुसार आपको कोई भी शिफ्ट मिल सकती है। तो एक जो बहुत लोग पूछते हैं कि यार ऐसी जॉब आपको मिलती कैसे, आप तो इसका यार नॉर्मली जो प्रोसेस होता है कि आप जाके आप सीधा रेस्टोरेंट में जाओ और मैनेजर से बात करो, उनसे पूछो, तो अगर वैकेंसी हुई तो आपका एक इंटरव्यू लेंगे जिसमें वो आपका इंट्रोडक्शन मांगेंगे, पूछेंगे कि आपको ये जॉब क्यों लेना है, क्या मोटिवेशन है कि आपको यही जॉब करना है। फिर वो आपका बैकग्राउंड चेक करेंगे, आपका नेचर देखेंगे, आप कैसे कम्युनिकेट करते हो, आपका बिहेवियर कैसा है, वो सब देखने के बाद वो अगर आपसे सेटिस्फाइड है तो वो आपको एक एज अ फ्रेशर हायर कर लेंगे, और वो आपकी फिर आपकी परफॉर्मेंस देख के और अपनी नीड के अनुसार फिर वो आपको एक फुल टाइम एम्प्लॉय की तरह भी रख सकते हैं। एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको अगर मान लो कि यार आपको एज अ वेटर हायर किया, तो ये नहीं है कि यार आप सिर्फ वेटर वाला ही काम करोगे, रिक्वायरमेंट्स के अनुसार आपको डिफरेंट काम भी करना पड़ सकता है। तो जैसे कि आपको यार कभी ग्रीटर का काम करना पड़ता है, ग्रीटर मतलब यार जो डोर खोलता है और जो कस्टमर से यार स्टार्टिंग में बात करता है, उनको सीट दिखाता है, वो वाला काम। कभी कभी क्लीनिंग में भी हेल्प करनी पड़ जाती है अगर क्लीनिंग स्टाफ अवेलेबल नहीं हो, कभी कभी शेफ़ की भी मदद करनी पड़ती है, ऑर्डर्स बहुत आ गए हैं। तो डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट्स आपको काफ़ी डिफरेंट तरीके के काम करने पड़ते हैं। आप ये नहीं बोल सकते कि यार मैं एज अ वेटर हायर हुआ हूँ तो मैं वेटर वाला ही काम करूँगा। अब थोड़ा यार हम कंपेयर करते हैं कि यार दुनिया भर में मैकडॉनल्ड्स के एम्प्लॉयज को कितना मिलता है, तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि बाहर का सीन क्या है। USA में घंटिया करीब $7.5-$8 मिलता है मैकडॉनल्ड्स के एम्प्लॉयज को, मतलब मान लो 450 से 500 रुपये मिलते हैं। न्यूजीलैंड में और ज़्यादा मिलता है, मतलब करीब $12 घंटे का मिलता है, तो करीब 700 से 800 रुपये घंटे का हुआ। फिलीपींस में करीब $1.3 मिलता है, मतलब 80-90 रुपये घंटे का हुआ, ये मतलब मान लो यार इंडिया के आसपास ही हुआ। डेनमार्क में काफ़ी ज़्यादा मिलता है, $21 घंटे का, मतलब 1300-1400 रुपये मिलते हैं। पर यार डेनमार्क में लिविंग कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मतलब USA से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इसलिए वहाँ पर सैलरी भी ज़्यादा ही मिलती है। मोस्टली यार ये सैलरी डिसाइड होती है डिपेंडिंग ऑन कि यार उस जगह पे कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है और वहाँ पर गवर्नमेंट की गाइडलाइंस क्या है, तो इन सब चीज़ों को माइंड पे रखते हुए सैलरी डिसाइड की जाती है। तो यार ये सब तो सैलरी और पैसों की बात हो गई। मोस्टली आप जानते होंगे कि यार सब ये जॉब इसलिए करते हैं क्योंकि लोगों को पैसे कमाने होते हैं, पैसों की ज़रूरत होती है। तो ऐसा नहीं है कि यार आप ऐसे जॉब्स में कुछ सीख नहीं सकते, ऐसे जॉब्स में आप ऐसी लाइफ स्किल सीखते हो जो आप नॉर्मल पढ़ाई में सीख नहीं सकते या नॉर्मल दूसरी जॉब्स में सीख नहीं सकते, और ये लाइफ स्किल्स आपको ज़रूर सीखना चाहिए। और काफ़ी लोग जो आगे जाकर बड़े हुए हैं उन्होंने भी मैकडॉनल्ड्स में काम किया। फॉर एग्जाम्पल जेफ बेजोस जो कि अमेजोन के CEO हैं और रिचेस्ट पर्सन ऑन द अर्थ हैं, करीब $140 बिलियन उनके नेटवर्थ है, उन्होंने भी मैकडॉनल्ड्स में काम किया है। फिर जो पुराने USA के प्रेसिडेंट थे बैरक ओबामा, उन्होंने भी आइसक्रीम चेन बैस्किन रॉबिन्स में भी काम किए। तो काफ़ी लोग काम करते हैं मैकडॉनल्ड्स और ये सब क्विक सर्विस रेस्टोरेंट में और आगे जाके काफ़ी बड़े बन जाते हैं। तो मैं आपको थोड़ा बताता हूँ कि आप इन सब जगहों से क्या क्या सीख सकते हो। तो पहली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको सीखने को मिलती है वो ये कि आपको कस्टमर को कैसे हैंडल करना है, वो भी कंपनी के गाइडलाइंस के अनुसार। कस्टमर गुस्सा हो सकता है या कस्टमर्स काफ़ी अग्रेसिव हो सकता है, पर आपको पीसफुली कस्टमर्स को मैनेज करना पड़ेगा और कभी आपको एग्रेसिव नहीं होना पड़ेगा। चाहे कस्टमर गलत हो पर आपको उनको मनाना पड़ेगा, तो ये जो स्किल है काफ़ी काम आती है बाद में। फिर दूसरी चीज़ जो आपको सिखाती है वो है टीम प्लेयर। आप चाहे कितने भी अच्छे हों पर ऐसे रेस्टोरेंट में सक्सेसफुल होने के लिए आपकी पूरी टीम अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी पूरी टीम अच्छी होगी तभी आप सही से काम कर पाओगे। और ऐसे क्विक सर्विस रेस्टोरेंट में अगर आपका 20 से 30 सेकंड भी खाना लेट हो जाता है तो मतलब आप तो गए। तो जैसे कि यार 20-30 सेकंड भी इतना इंपॉर्टेंट होता है, इसका मतलब हर टीम मेंबर को बहुत अच्छे से काम करना पड़ता है। तो आप एक टीम प्लेयर बनना भी सीखते हो। फिर जो तीसरी चीज़ आप सीखते हो वो कि आपको कॉन्फिडेंस आता है कि स्ट्रेंजर्स के साथ कैसे बात करना है।
काफी लोग इंट्रोवर्ट होते हैं और जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं वो भी नॉर्मली अपने दोस्तों के साथ ही अच्छे से बात कर पाते हैं, पर इन जॉब्स में आपको बिल्कुल ही अननोन लोगों के साथ अच्छे से बात करना होता है। आपको ये भी पता होना चाहिए क्या बात करना है, कैसे बात करना है, फिर आप एफिशिएंट बनना सीखते हो क्योंकि काम तो टाइम पे होना जरूरी है, तो आपको एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी। फिर आपको कैसे ब्रांड को मेंटेन करना है ये भी सीखते हो, क्योंकि जो ग्राउंड पे वर्क करते हैं जैसे वेटर्स हो गए, कैशियर्स हो गए, ये सब ब्रांड के फेस हैं, क्योंकि कोई सीईओ से तो हार्डली कोई पर्सनली बात करता है, तो सब उस ब्रांड के एम्प्लॉयज से ही मिलते हैं, तो ये एम्प्लॉयज जो है वो ब्रांड को रिप्रेजेंट करते हैं, तो अब हमेशा आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देनी पड़ती है। और फिर आपको हार्डवर्क करना तो ज़रूरी है, पंक्चुअल होना भी ज़रूरी है, ये नहीं कि यार 5 मिनट लेट हो गए चलता है, 1-2 मिनट भी नहीं लेट हो सकते ऐसे रेस्टोरेंट्स में, तो आप हमेशा पंक्चुअल होना सीख जाते हो, हमेशा मोटिवेटेड रहते हो, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि यार सुबह आए तो मोटिवेटेड आए, अच्छे से काम किए, शाम को अच्छे से काम नहीं किए, शाम को कस्टमर्स को अच्छा ट्रीट नहीं किया। आपको पूरा दिन कस्टमर्स को अच्छे से ट्रीट करना पड़ता है, चाहे आपको पिछले कस्टमर्स ने डांटा हो तब भी आपको अगले कस्टमर्स को स्माइलिंग फेस के साथ बात करनी पड़ती है, तो ये मोटिवेशन रहना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक रिस्पॉन्सिबल इंसान बनते हो, आपको अपने एक्शंस के लिए, अपने टीम के लिए रिस्पॉन्सिबल बनना सीखते हो। आप जानते होगे कि अमेज़न अपने कस्टमर सर्विस के लिए बहुत फेमस है, मतलब अमेज़न मतलब कस्टमर सर्विस। तो जेफ बेजोस ने भी एक इंटरव्यू में बोला था ये कस्टमर सर्विस वाली बात उन्होंने जब ये मैकडॉनल्ड्स में काम किया तब सीखा था, तब उनको समझ आया था कि यार कस्टमर सर्विस कितना इंपॉर्टेंट है। तो अगर यार जेफ बेजोस दुनिया का रिचेस्ट पर्सन और वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी जो चलाता है वो मैकडॉनल्ड्स या इन सब रेस्टोरेंट्स पे काम करके सीख सकता है, तो यार तो नॉर्मल इंसान तो ऑफकोर्स काफ़ी कुछ सीख सकता है। तो अब आते हैं यार, ये तो आपने जान लिया कि क्या आपको सीखने को मिलता है, आप बात कर लेते हैं क्या दिक्कतें आती हैं, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। सबसे मेन प्रॉब्लम जो आती है यार कि 8-10 घंटे खड़ा होना, हर दिन 8-10 घंटे खड़ा होना बहुत कम रेस्ट के बहुत मुश्किल होता है। 1 दिन खड़े होगे, 2 दिन खड़े होगे, पर रेगुलरली हर दिन खड़ा होना तो यार बॉडी पे बहुत प्रेशर पड़ता है, स्पेशली लेग्स पे तो बहुत प्रेशर होता है। फिर आता है कि यार कभी कभी कस्टमर्स या कभी कभी हम उन्हें अच्छे ट्रीट नहीं करते, कभी कभी खाना अच्छा नहीं होता है, सर्विस अच्छा नहीं होता, कभी कभी उनकी मिस्टेक होती है और कभी कभी शेफ़ या दूसरे लोगों की मिस्टेक होती है, पर हम उन्हें डांट देते हैं। बहुत लोग तो यार उनको पर्सनली डांट देते हैं, पर्सनली अब्यूज़ भी करते हैं, ये बहुत गलत बात है, क्योंकि यार वो एक एम्प्लॉई है, वो वेटर है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो एक इंसान नहीं है या उनकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, तो हमें उनको भी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। क्योंकि यार अगर खाना अच्छा नहीं है, सर्विस अच्छा नहीं है, वो सॉरी बोलते हैं फिर रिप्लेसमेंट मील भी देते हैं, तो कोशिश करते हैं कि यार आपका एक्सपीरियंस बेटर करें, तो यार उनको पर्सनली हर्ट करना बहुत गलत बात है, क्योंकि यार वो भी सुबह से काम कर रहे हैं, वो भी चाहते हैं कि यार आप सबको एक बेस्ट एक्सपीरियंस दें, और वो बहुत मेहनत करते हैं, तो कभी कभी वो भी इंसान है, कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, कंप्लेन करना चाहिए, पर ये नहीं कि यार उनको पर्सनली हर्ट कर रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। और एक महान व्यक्ति ने बोला था यार कि एक इंसान का कैरेक्टर तब पता चलता है कि वो अपने जूनियर्स को कैसे ट्रीट करता है, सीनियर्स को तो सब अच्छे से ट्रीट करते हैं, सब रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करते हैं, पर असली कैरेक्टर तब पता चलता है कि वो अपने जूनियर्स को कैसे ट्रीट करता है, वेटर को कैसे ट्रीट करता है, इन सब लोगों को कैसे ट्रीट करता है, उसी से उसकी रियलिटी पता चलती है। और हमें ये सोचना चाहिए कि यार वेटर शायद कोई दिक्कत में है इसीलिए वो ऐसी जॉब कर रहा है, तो अगर हम उसको ऐसे अब्यूज कर रहे हैं तो उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को काफी भारी चोट पहुंचती है, जो कि बहुत गलत बात है। और हमें हमेशा लोगों को ऐसा ट्रीट करना चाहिए जैसे हम चाहते हैं दूसरे हमें ट्रीट करें, क्योंकि यार आज वो उनकी सिचुएशन खराब है तो यार वो ऐसा काम कर रहे हैं, हमें ये सोचना चाहिए कि यार कल अगर हमारी वो सिचुएशन होती तो क्या हमें अच्छा लगता कि हमें ऐसा कोई ट्रीट करता है। कोशिश करना चाहिए कि यार टिप देना चाहिए, तो जो नॉर्मल फूड वैल्यू होता है उसका अगर 10% नॉर्मली टिप देते हैं तो जितना हो सके आपको टिप देना चाहिए। आपको नहीं पता कि आप जो 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये या 100 रुपये देते हो वो 100 रुपये उस वेटर के लिए या उस एम्प्लॉय के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्या पता उसने कोई लोन लिया हो, क्या पता वो किसी फाइनेंशियल डिफिकल्टी में फंस गया हो, तो 100 रुपए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो यार अगर आप उनसे अच्छे से बिहेव करोगे और उनके सर्विस को अप्रिशिएट करोगे उसी में ही वो बहुत खुश हो जाएंगे, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आगे से आप वेटर्स और इन सब लोगों को अच्छे से ट्रीट करोगे। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और नीचे कमेंट करो कि वीडियो आपको कैसे लगी। और हाँ, मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी कि डिलीवरी बॉयज जो अमेज़न, फ्लिपकार्ट, स्विगी, जोमेटो में काम करते हैं वो कितना कमाते हैं और उनको क्या परेशानियाँ होती हैं, तो वो वीडियो भी ज़रूर देखना, वो हमारे चैनल की सबसे पॉपुलर वीडियो है, तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखना।
और हाँ, चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कर देना। मैंने पहले कई इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाए हैं, जैसे कि इंडिया में एप्पल क्यों फेल हो रहा है, एयर इंडिया क्यों फेल हुआ, शाओमी इंडिया की सबसे बड़ी स्मार्टफोन कंपनी कैसे बनी, वन प्लस ने इंडिया में एप्पल और सैमसंग को कैसे हराया, स्नैपडील क्यों फेल हुई, तो ये सब इंटरेस्टिंग वीडियोज भी देखना। और हम आगे भी और इंटरेस्टिंग वीडियोज मैं बनाता रहूंगा। याद से घंटा भी दबा देना ताकि आप हमारी कोई वीडियो मिस ना करें। नीचे कमेंट्स में ये भी बताओ कि आप और कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस चाहते हो। आगे हम ऐसे ही बिजनेस, मोटिवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप जगत की बातें करेंगे। तो जल्दी मिलते एक नई और जानकारी पूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।